और दोस्तों अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज सुबह सुबह यह ऐलान हो चुका है कि हमारे पूरे भारत में आपके लॉकडाउन का माहौल समाप्त होने वाला है। और दोस्तों इसको लेकर के हमारी केंद्र सरकार ने कौन सी जानकारी दी है, आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सभी जानकारी के बारे में एकदम आपको कांच की तरह क्लियरली समझाने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कि आखिरकार हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किन किन राज्यों में आपके लॉकडाउन को समाप्त कर दिया है। अगर दोस्तों आप भी इन राज्यों से आते हैं ना, तो आज से आपके इन सभी राज्यों में आपके लॉकडाउन की प्रक्रिया को पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी को देख लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका जो लाइक और शेयर होता है वही हमारी असली मेहनत का फल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय गवाने चलता हूं आपको आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड के 4 जिलों में शनिवार और रविवार का लॉकडाउन खत्म। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हमारे उत्तराखंड राज्य में शनिवार और रविवार के लॉकडाउन की पूरी प्रक्रिया को हटा दिया गया है। और दोस्तों इसे लेकर के हमारी केंद्र सरकार ने पूरी यहाँ पर जानकारी दे दी है कि आखिरकार आपके उत्तराखंड राज्य में क्यों यहाँ पर शनिवार और रविवार के लॉकडाउन की प्रक्रिया को हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि उत्तराखंड के 4 जिले देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और यहाँ पर उधम सिंह नगर में सप्ताह होने वाले 2 यहाँ पर लॉकडाउन को उत्तराखंड सरकार ने पूरी तरह से यहाँ पर खत्म कर दिया है। और दोस्तों अब से आपके उत्तराखंड के इन 4 जिलों में कोई भी यहाँ पर शनिवार व रविवार का लॉकडाउन की प्रक्रिया नहीं रहेगी। और दोस्तों शासन की ओर से सभी जिला अधिकारियों को साप्ताहिक बंदी का सख्ती से पालन कराने का निर्देश जारी कर दिया गया है। अगर दोस्तों आप भी उत्तराखंड राज्य से आते हैं तो ऐसे में आपको यह बात जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी था कि हमारे केंद्र सरकार ने आपके शनिवार व रविवार के लॉकडाउन की प्रक्रिया को हटा दिया है। और इसके बारे में और यहाँ पर जानकारी लिखी गई है कि हमारे भारत में जो महामारी चल रही है उसके रोकथाम को लेकर पिछले 3 सप्ताह से 4 मैदानी जिलों में शनिवार व रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन किया जा रहा था। हालांकि बीते सप्ताह रक्षाबंधन व अन्य त्योहारों को देखते हुए लॉकडाउन नहीं किया गया था। इस बीच राज्य सरकार ने अपने अपने राज्यों में अनलॉक 3 4 अगस्त को जारी कर दिया था। लेकिन फिलहाल में बात करें हमारे उत्तराखंड की सरकार की, तो हमारे उत्तराखंड की सरकार ने आपकी लॉकडाउन की प्रक्रिया को पूरी तरह से यहाँ पर हटा दिया है। इसके साथ ही दोस्तों हमारे शुरू होगी परीक्षाएं, लगेगी क्लासेस, संसदीय समिति की बैठक में स्कूल खोलने पर ये बड़ा फैसला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हमारे उत्तराखंड में जैसे ही आपके 4 जिले में आपके लॉकडाउन की प्रक्रिया को हटा दिया गया है, वैसे ही आपके पूरे भारत में जितने भी आपके स्कूल कॉलेज है उन सभी को खोलने के लिए भी हमारी केंद्र सरकार ने फैसला किया है। तो ऐसे में दोस्तों आप जान लीजिए कि जहाँ जहाँ आपके लॉकडाउन की प्रक्रिया को हटा दिया गया है वहाँ वहाँ पर आपके जितने भी स्कूल कॉलेज है उन सभी को खोलने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने फैसला किया है। और फाइनली दोस्तों आपको बता दें कि हमारे उत्तराखंड, राजस्थान और यहाँ पर तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में आपके शनिवार और रविवार के लॉकडाउन की प्रक्रिया को हटा दिया गया है। तो ये कुछ हमारे भारत सरकार ने पूरे भारत में बहुत यहाँ पर बड़ी खबर को जारी कर दिया था, जिसके बारे में यह खबर आपको जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी था। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राज्य की जानकारी जरूर बता दीजिएगा, ताकि आपके राज्य की भी कोई यहाँ पर लॉकडाउन से संबंधित खबर आएगी तो मैं आपको वीडियो के तौर पर प्रोवाइड करा दूंगा। और फिलहाल दोस्तों अगर आप उत्तराखंड राज्य से आते हैं तो ऐसे में आप जान लीजिए कि हमारे उत्तराखंड राज्य में आपके शनिवार व रविवार की लॉकडाउन की प्रक्रिया को हटा दिया गया है। तो बस आपको यही कुछ यहाँ पर छोटा सा अपडेट्स देना था। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बेहद ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट न्यूज के लिए और ताजा ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारी स्वाइप है ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अपडेट्स में, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।